दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें, मध्य प्रदेश की सभी 10 बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। गरीबों के लिए खुशखबरी है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के गरीबों को खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि 11 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 1,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी और वह 3:30 बजे दोपहर 25 मई 2021 को ट्रांसफ़र की जाएगी। तो अच्छी बात है, तो इस प्रकार से करोड़ों रुपये प्रदेश के गरीबों के खातों में ट्रांसफ़र होंगे जो गरीबों को राहत देंगे। वहीं मध्य प्रदेश के इन 5 जिलों में अनलॉक की तैयारियाँ शुरू हो गई है। वे 5 जिले हैं जिनमें अब कोरोना कर्फ्यू समाप्त होने जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए उठाए गए कदमों के परिणाम संक्रमण दर में कमी के रूप में सामने आने लगे हैं। 9 जिलों में संक्रमण की दर 5% या उससे कम हो गई है। इसे देखते हुए गृह विभाग ने कोरोना कर्फ्यू हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के कम संक्रमण वाले जिले हैं वे जिले हैं झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड। इन जिलों में 5% से भी कम संक्रमण दर है, इसलिए यहाँ की आपदा प्रबंधन समितियों ने कोरोना कर्फ्यू में छूट दिए जाने के लिए गाइडलाइन जारी की है। उसके तहत ये गाइडलाइन रहेंगी, सभी शासकीय कार्यालय में 100% अधिकारी और 25% कर्मचारियों के साथ कार्यालय खोले जाएंगे। वहीं दवाई की दुकान, फल एवं सब्जी की दुकान, दूध डेयरी, आटा चक्की, पशुओं के खाद्य पदार्थ की दुकान, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स एवं खेती किसानी से संबंधित सभी दुकानें पूरे दिन के लिए खोली जा सकती है। तो इस प्रकार से छूट मिली है, लेकिन फिर भी आप सभी से मैं निवेदन करता हूं और सरकार भी निवेदन करती है कि थोड़ा कोरोना गाइडलाइन का पालन करें ताकि बाद में पुनः कोरोना संक्रमण न आ सके और हम इससे निजात पा सके। वहीं मध्य प्रदेश के किसानों को मिली राहत, समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी के लिए रेट तय किए गए हैं। अब मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदेगी सरकार, सरकार ने आदेश दे दिया है। मध्य प्रदेश में गेहूं, चना, मसूर और सरसों के बाद अब मूंग की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर होगी। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य 7,196 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है, जो कि किसानों के लिए राहत भरा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सभी किसानों को बधाई देते हुए बताया कि सोमवार के बाद जल्दी ही किसानों का पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा, जिससे किसान अपनी मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदे जाने का प्रस्ताव प्रशस्त हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य बहुत ज़्यादा रखा गया है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है किसानों के लिए, खुशखबरी है किसानों के लिए। वहीं 18 से 44 उम्र वालों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में और सुधार हुआ है और सरल बनाया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइन जारी हुई है, अब आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। मंत्रालय ने 18 से 44 आयु वर्ग वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पाबंदी खत्म कर दी है। सरकार ने सुविधा दी है कि अब सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीनेशन कराया जा सकता है और कोरोना को हराया जा सकता है। यानी अब आप ऑन साइट पर भी जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वैक्सीन का लाभ उठा सकते हैं। 18 से 44 वर्ष वाले लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद स्लॉट बुक करने के लिए कोविन पोर्टल पर आ रही परेशानियों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइन जारी की है। वहीं मध्य प्रदेश के 22 जिलों में बारिश के आसार है। जून के दूसरे हफ्ते में आएगा प्रदेश में मानसून, मौसम विभाग ने जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव का दौर जारी है। वातावरण में नमी के चलते बादल छाए हुए हैं और बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर 22 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं गरज चमक के साथ बिजली चमकने और गिरने के भी आसार हैं। पिछले 24 घंटे में दमोह में और इंदौर में बूंदाबांदी देखने को मिली। वहीं आज सुबह से होशंगाबाद में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार जबलपुर संभाग के 8 जिले के साथ सागर, दमोह, उमरिया, भोपाल, विदिशा, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, नीमच, मंदसौर, गुना, होशंगाबाद जिलों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर 1 जून को केरल में मानसून के दस्तक देने की संभावना जताई है मौसम वैज्ञानिकों ने। वहीं 1 जून को केरल में मानसून दस्तक दे देगा और मध्य प्रदेश के इंदौर से 20 जून को प्रदेश में मानसून दस्तक दे देगा। तो इस प्रकार से प्रदेश में जून के दूसरे हफ्ते में मानसून दस्तक दे सकता है। वहीं कोविड पेंशन योजना के लिए सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है। जो बच्चे अनाथ हो गए हैं कोरोना काल में, उनके लिए योजना बनी है। उन्हें 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा और राशन दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं
कि सभी कलेक्टर ऐसे बच्चों की सूची तैयार कर लें। 30 नवंबर से सीएम शिवराज सिंह चौहान इस योजना को प्रारंभ करेंगे और 30 नवंबर से प्रदेश के इन अनाथ बच्चों के खातों में 5000 रुपये की कोविड पेंशन के तहत 5000 रुपये राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। तो अच्छी बात है, उनको थोड़ा सहारा मिलेगा। तो इस प्रकार से कोविड काल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो योजनाएँ लागू की है वो देश के सभी राज्यों में सराही जा रही हैं, तो अच्छी बात है। वहीं प्रदेश के 19,000 स्वास्थ्यकर्मी और 2,500 सपोर्ट स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पहुंच गए हैं। आशा कार्यकर्ता व सहयोगिनी भी एक दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। इसका स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत असर पड़ना तय है। प्रदेश में 19,000 स्वास्थ्यकर्मी व 2,500 सपोर्ट स्टाफ जो प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा से जुड़े थे वे सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आशा कार्यकर्ता व सहयोगिनी की संख्या लाखों में है। ये सभी कोरोना नियंत्रण में सेवाएं दे रहे थे। संविदा स्वास्थ्यकर्मी संघ के डॉक्टर सुनील यादव का आरोप है कि सरकार संविदा स्वास्थ्यकर्मियों को खुद की नीति के अनुरूप नियमित पदों का 90% वेतन नहीं दे रही है, अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे रही है, जिन्हें निकाल दिया गया है उन्हें वापस नहीं ले रही है, इसलिए यह हड़ताल जारी की गई है। जब तक ये सरकार संविदा कर्मियों को 30 से 40 हज़ार रुपये प्रतिमा वेतन नहीं देती, अनुकंपा नियुक्ति नहीं देती या फिर जिन्हें निकाल दिया गया है उन्हें वापस नहीं लेती, तब तक ये हम कार पर वापस नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान को स्वास्थ्यकर्मियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है और वे सभी हड़ताल पर चले गए हैं। आशा करता हूँ कि सीएम शिवराज सिंह चौहान इनकी हड़ताल माने ताकि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा जल्दी से सुधर जाए। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसलों के बारे में जानकारी दी है। तो चलिए देखते हैं कृषि मंत्री कमल पटेल को लाइव। होशंगाबाद और हरदा जिले में तवा डैम का पानी छुड़वाकर और बाकी ट्यूबवेल से नदी नालों से 3,33,000 हेक्टेयर में बोनी की गई थी जो अब लगभग पक्के तैयार है। 10-15 दिन के अंदर पूरी फसल निकल आएगी और इसलिए समर्थन मूल्य इसका भारत सरकार ने 7,196 रुपये घोषित किया है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए। और केंद्रीय कृषि मंत्री जी से भी मेरी चर्चा हुई है, आज भी मेरी चर्चा हुई है। केंद्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल से मेरी चर्चा हुई है और माननीय कृषि मंत्री जी ने सहमति दी है, सोमवार को इसकी अनुमति मिल जाएगी खरीदने की और हम फिर पंजीयन शुरू कर देंगे और किसानों का मूंग भी नेफेड के माध्यम से भारत सरकार के लिए खरीदी करेंगे ताकि किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य मिल सके और समर्थन मूल्य पर से नीचे मूंग की फसल ना बिके, इसकी हम चिंता करें। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।